तो वो इस मेरे हाथ में, इस हाथ में। अरे यार ये छिड़ जाएगी भाई, मैं कहाँ फंस गया यार। चलो चलो बगलो बगलो बगलो, ओए साथ चलो साथ चलो साथ चलो। हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं इस तपते रेगिस्तान में जो कि है जैसलमेर में, और अगले 24 घंटे हम लोग इस सुनसान वीरान रेगिस्तान में बिताने वाले हैं। अगले 24 घंटे तक हमारे पास में कोई सपोर्ट नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, हमारे पास में सिर्फ थोड़ा सा सामान है जो कि हमारे बैग्स में है, और ये हमारी जिंदगी के सबसे मुश्किल चैलेंजेस में से एक हो सकता है, क्योंकि इतना भयंकर गर्मी है, इतनी तगड़ी लू चल रही है यहाँ पे भाई, पता नहीं रिस्की तो नहीं हो जाएगा, आई डोंट नो। उम्मीद करते हैं कि हम इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाए, पता नहीं क्या होगा, फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा देना, और ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, और हम शुरू करते हैं अपना 24 आवर इन डेजर्ट चैलेंज। गाइस ये चैलेंज जो है काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हम है पूरे चारों तरफ रेगिस्तान से घिरे हुए, और यहाँ पर जो सूरज है ना वो बिल्कुल भी हमारे ऊपर रहम नहीं करने वाला भाई, काफी हालत खराब होने वाली। अगर बात करें हमारे पास में क्या क्या चीज़ है, तो भाई यहाँ पर हमारे पास दो बैग ऐसे हैं जिनमें है पानी की बॉटल्स, कुछ इस तरीके की, दो बैग में चार बोतल हमारे पास पानी है बस। तो इस पूरे चैलेंज में हमारा जो सबसे बड़ा टास्क रहेगा वो ये रहेगा कि हमको पानी ढूंढना है, कुछ खाने के लिए ढूंढना है, है ना। खाने के लिए छोटी मोटी चीज़ें हम तो जो है लेके आए हैं, लेकिन उसको पकाना पड़ेगा और इस चिलचिलाती गर्मी से बचना पड़ेगा। गाइस दूर दूर तक कोई भी नहीं है, हम पांच लोगों के सिवा, और यहाँ पे पानी का कोई भी सोर्स नहीं है, पानी लिमिटेड है हमारे लिए। और ये रेत भाई इतनी गर्म है, जूतों में से हीट फील हो रही है, कैसे बिताएंगे पूरे 24 घंटे ये हमें नहीं समझ आ रहा भाई। यहाँ एक जगह खड़े रहने का भी कोई फायदा नहीं है, और पता है यहाँ पे ये देखो भाई, ये इस बात का सबूत है कि जो डेजर्ट है वो किसी को बख्शता नहीं है, ये हड्डी का टुकड़ा है किसी जानवर का। एक हड्डी यहाँ पर है देखो, मिट्टी में धसी हुई है, ये देखो, ओ भाई यहाँ पर एक जानवर है, कीड़ा है, और ये जो है गर्मी में मेरे हिसाब से जो है मर चुका है, इसकी सर में से हाँ बीटली है। अब सोचो ये जानवर ही, इनकी ये हालत यहाँ पे हो रखी है भाई, इंसानों ने कोई जगह नहीं छोड़ी है। एक रेड बुल का कैन यहाँ पर पड़ा हुआ मिला है, सोचो इस सुनसान जंगल के बीच में, नहीं जेब में रख ले। ये देखो ये पेड़ जो है हवा में गोल गोल रोल करते हुए जा रहा है, ऐसे बहुत सारे पेड़ यहाँ पर कंटिन्यू उड़ उड़ के आ रहे हैं, कभी इधर से कभी उधर से। हम छाता तो लेके नहीं आए, लेकिन इन लोगों ने इसका बना लिया है। मेरे सर में दर्द सा हो रहा है, मेरा मन कर रहा है पानी डाल लूँ ऊपर। जो भाई इसके अंदर बोतल है ना, वो गर्म हवा की वजह से गर्म हो रही है, लेकिन एक तरीका है, अगर मैं इस कपड़े को भिगा दूँ, एक काम करते हैं इसको इधर रखते हैं, दूसरा जो बैग है उसको गीला कर देते हैं, तो ये जो है मटके वाला काम करेगा जो कि मिनी फ्रिज जैसा होता है। अब ये जो बोतल है ये ठंडी होएंगी, ये गर्म नहीं होगा, ये कितना ठंडा हो गया देखो हाथ लगा के। भाई थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आराम करेंगे, 5 से 10 मिनट, और सही बताऊँ जिस मिट्टी जिस रेत के ऊपर अभी मैं बैठा हूँ, हम लोग बैठे हैं ना, वो नीचे से तप रही है, जल रही है बहुत तेज। भाई मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ ऊपर चलते हैं, या फिर अब इतनी तेज़ गर्मी हमारा जो टेंट है ना वो टेंट लगा लेते हैं, क्योंकि अगर टेंट लगा लेंगे तो थोड़ा सा बचाव हो जाएगा भाई धूप से। दोस्तों हम 5 लोगों के अलावा हमारा जो कैमरा क्रू है वो भी इस चैलेंज में हमारे साथ है। कितने ऊँचे हैं ये टिब्बे? आज मुझे ऊंट बना दे। अरे यार ओ रो 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 मत यार। अरे जो कौन पैर चढ़ता है? ओ भाई यस। एक तो गर्मी, दूसरा धूप, और तीसरा गर्म हवा लू, और चौथा हवा के थपेड़े जो जब आके गिरते हैं भाई बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं। और मैं इतना ऊंचाई पे हूँ, देखो कितना जल्दी मैं नीचे आ गया भाई। भाई हवा बहुत तेज है यहाँ पे, और ये देखो मिट्टी के टीबे टीबे हैं भाई दूर दूर तक। यहाँ पर ये एक बेल्ट है हरी हरी, लेकिन ये टीला ही है, टीले के ऊपर झाड़ियाँ उगी हुई हैं। अभी उधर ही जाएंगे हम लोग।
भाई यहाँ पे कुछ गिरा हुआ है, क्या चीज है? इस रेगिस्तान के बीच में शीशे कहाँ से आए हैं जहाँ कोई इंसान नहीं है? ये तो करोड़ों साल है, ये तो पुराना रखा है काफी ज्यादा। आए थे तब तो ऐसा लग रहा था कि ये क्या ही है, अब आदत पड़ गई है, हमने किस्मत को स्वीकार कर लिया कि हमें ऐसे ही रहना है। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर टेंट लगा लेते हैं पहले अपना, ताकि हमको एक जगह मिल जाए, हमारा कुछ एक स्टेबल जगह तो हो जाए जहाँ हमारी नजर रहे कि हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे हमें रहना है। भाई मोहित की टोपी गई उड़ के, गोल 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 घूमती हुई वो टोपी लेने गया। अरे और कुछ ना उड़ जाए। अरे यार तुम पागल हो क्या भाई, हमारा टेंट उड़ गया भाई, वो टेंट कहाँ गया? अरे यार अब आप यहाँ से आपको अंदाजा लगा। अरे पकड़ो उसको, एक ही है भाई। 3 घंटे इस रेगिस्तान में भटकने के बाद हम लोग बैठ गए हैं, हमने टेंट लगाने की कोशिश करी, टेंट नहीं लग पाया भाई, और अब जो टेंट है लोग टेंट पे बैठ गए हैं। मुझे लगता है टेंट हम शाम को ही लगा पाएंगे। रेगिस्तान में दिन में तपती गर्मी पड़ती है और रात को ठंड पड़ती है कड़ाके की, तो वो ठंड तो आज पहली बार फील करेंगे। और अगर आपको नहीं पता हम कहाँ हैं, तो दोस्तों हम हैं अपने खुद के देश के अंदर, हमारे भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर ज़िले के डेजर्ट के अंदर। और भाई डेजर्ट में यहाँ पर हमारा जो ये मिनी स्टोव है कैंपिंग वाला, ये पता नहीं चल पाएगा नहीं चल पाएगा, हवा बोलते जो भाई ये क्या है? दोस्तों पता है हमारी चाय में क्या हुआ है? ये देखो कितनी सारी जो मिट्टी है वो गिर गई है, और अभी तक जो पानी है वो दूध जो है उबला नहीं है, लेकिन जो गैस स्टोव है वो डेफिनेटली चल रहा है नीचे। मिट्टी बहुत तेज, और यहाँ पे अदरक काटी जा रही है हाथ में कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास कूटने के लिए कुछ नहीं है। और इस सिस्टम को लेके चलेगा उधर यार, यहाँ तो बननी भी नहीं है। क्या चीज है, है? ओ भाई छिपकली छिपकली छिपकली, भाई हमें यहाँ पर एक छिपकली मिली है जो कि अभी मैं अपने फोन में आपको दिखा पा रहा हूँ एकदम बीचों बीच, और ये बहुत तेज भागती है, इसके पैर नहीं जल रहे क्या? हाय क्यूटी, वो जो मैन वर्सेस वाइल्ड वाला, ओ भाई उधर भाग गई। मैन वर्सेस वाइल्ड वाला जो बंदा है ना भाई, वो तो खा जाता है पकड़ के इनको। और पता है गाइस, इस जंगल में आने के बाद में जो पढ़ाई लिखाई होती है, बड़ी बड़ी चीजें, पैसे वाले लोग, लग्जरी लाइफ, सब कुछ जो है वेस्ट लगता है। ये कुछ नहीं है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट है जिंदगी, सबसे इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल। हम 5 लोगों के अलावा और हमारे क्रू के अलावा पहला जानवर हमें अभी मिला है जो वो छोटी छिपकली थी। और यहाँ पे ये पेड़ है, झाड़ी सी है भाई, जो मैं आपको कह रहा था कि इन टीलों के ऊपर ये झाड़ियाँ, अभी इधर आगे भी चलेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फायदा है कि हवा को ये पेड़ रोक रहा है। ये देखो भाई पूरा जो है डेजर्ट है, पूरा जो है रेगिस्तान है भाई, इधर आना एक बार जल्दी वहां से हटो। और भाई हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अब जल्दी से ये दिन ढल जाए, लेकिन दिन जो है निकल ही नहीं रहा भाई। बहुत बड़ा दिन होता है यहाँ पे वैसे भी, यहाँ दिन जो है उसका समय बहुत बड़ा होता है। भाई हमारी जो चाय है वो उबल गई है ढंग से, तो इसको करते हैं बंद। लेकिन पता हमारे पास में एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास में चाय पीने के लिए कप नहीं है भाई, जो हमारी बोतल खाली हुई है ना, इसी को काट के हम लोग जो है कप बनाएंगे। मस्त प्लान है। और गाइस अब ये जो दो हिस्से हैं, ये दो गिलास या फिर दो कप बन चुके हैं, अब इनमें चाय छानेंगे। लाओ भाई छलनी लाओ, तुम भी एक बोतल काट लो। हमारे पास में 4 बोतल थी, पानी तो सिर्फ एक में ही बचा है, लेकिन हमने बोतलें भी रख रखी हैं कि अगर कहीं पानी मिल गया तो इनको भर लेंगे। चाय इन डेजर्ट, चीयर्स। और चेक करते हैं कैसी है वैसे। इन प्लास्टिक की बोतल के अंदर चाय नहीं पीनी चाहिए, कोई भी गर्म चीज जो है नहीं रखनी चाहिए, पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है भाई। अरे यार टेस्ट तो सही है इसका। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कोई जानवर है, जानवर जानवर जानवर, कुछ खा गया कुछ खा गया कुछ खा गया, कुछ घुसा है यहाँ पे यार। नहीं नहीं कुछ था यहाँ पे, देखो ये रेड हो गया। रुको इस मेरे हाथ में है, इस हाथ में है। रुको रुको, अरे इसमें जलन हो रही है, मेरे को दर्द हो रहा है, मैंने मुट्ठी में पकड़ रखा है, क्या करूँ मैं इसका? निकालना पड़ेगा इसको, ऐसे भी ऐसे ऐसे नीचे बैठ नीचे बैठ नीचे बैठ। ये तो भाई एलर्जी हुई है, पता नहीं क्या हुआ है यहाँ पे, और इसमें जलन भी हो रही है। अरे यार जैसा बिच्छू काटता है ना बिच्छू, ऐसे काटा है भाई मुझे, और वो मेरे को फील हुआ भाई, मुझे यही लगा पक्का कि बिच्छू है, फिर मैंने हाथ में पकड़ा। अरे यार भाई जलन हो रही है यार इसमें, मेरे को डर लग रहा है कि किसी और कपड़े में ना घुसा हो यार कहीं। हाँ
दोस्तों हमको इस चैलेंज के अंदर अब 5 घंटे होने वाले हैं, और यहाँ पर आकर के पता है हमने थोड़ी रेस्ट करी झाड़ी के नीचे, और अब जो माहौल है वो पूरा बदल सा रहा है। उधर पे पूरा डेजर्ट है, और इधर पे है तो डेजर्ट ही लेकिन ये झाड़ियाँ हैं और मिट्टी के बीच में। तो यार मुझे लगता है कि जूते तो मेरे को पहन ही लेने चाहिए। ये जो पेड़ है ना, ये तो खीप का पेड़ है, पता है गाइस? कांटा निकला था कल। हाँ, मैंने कल कांटा निकाला था। एक्चुअली में गाइस होता क्या है कि जब हम इस पेड़ की जो ये वाली चीज़ है इसको ऐसे खींच के तोड़ते हैं तो इसमें से एक लिक्विड निकलता है। अगर आपके कहीं कांटा चुभ गया है रेगिस्तान में तो आप इस लिक्विड को उसके ऊपर लगा लो, आपका जो कांटा है कुछ टाइम में अपने आप बाहर आ जाता है। और यहाँ पर मैं तुमको बता देता हूँ, यहाँ पे कोबरा रहते हैं, यहाँ पे रेटल स्नेक रहते हैं, यहाँ पे वाइपर्स रहते हैं, सारे के सारे बहुत ज्यादा जो है जहरीले सांप हैं, बहुत ज्यादा। अरे बबलू किसकी टट्टी उठा रहा, रख उसको। अब हम लोग इस टीले पे चढ़ रहे हैं, इसके पार जो है हमें नहीं पता कि डेजर्ट है या फिर ऐसी झाड़ियाँ हैं। हालांकि ये भी डेजर्ट का ही पार्ट है, आप अगर नीचे देखोगे तो ये जो है बालू रेत ही है। ये देखो भाई, मैंने भाई मैंने ओ बॉय कितना बड़ा बिल है, ये तो अजगर का भी हो सकता है क्या? नहीं नहीं, ये कोई लोमड़ी ओमड़ी का भी है। हाँ, हम लोग ऊपर आ चुके हैं और अब यहाँ से आपको नज़ारा दिखाता हूँ भाई। ये तो पूरा डेजर्ट है उस साइड में, अब कैमरा में आपको उतना नहीं दिख पा रहा, बहुत दूर तक डेजर्ट है। उस साइड में पेड़ पौधे हैं और इधर में भी देखो पूरा दूर तक कोई इंसान कोई बस्ती कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ रेत है। यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये जंगल है, ये जंगल नहीं है गाइस। यहाँ पर भी आप देख सकते हो वही धोरे हैं, वही बालू रेत है, बस ये खरपतवार वाले जो पेड़ पौधे हैं जो कि यहाँ की लोकल हैं, इनको यहाँ पर हम खरपतवार नहीं कह सकते क्योंकि ये यहीं जीते हैं, यहीं पैदा होते हैं और यहीं रहते हैं ये वाले पेड़ पौधे। हाँ, और यहीं पे ये जो है ख़त्म भी हो जाते हैं भाई। यहाँ से मुझे कम से कम 10 से 15-20 किलोमीटर तक चारों तरफ नज़ारा दिख रहा है, लेकिन एक घर, एक इंसान, ह्यूमन मेड एक भी चीज़ नहीं दिख रही है। सिर्फ एक चीज़ दिख रही है, एक टावर है वहाँ पे, वो नहीं दिखेगा। नहीं नहीं, नहीं कैमरा में ट्राई मत करो, वो कभी नहीं दिखेगा कैमरा में। ऐसे सुई की तरह, सुई की नोक की तरह छोटा सा दिख रहा है बस। A few moments later. भाई मेरे चारों तरफ बहुत सारी मधुमक्खियाँ जो हैं वो आ चुकी हैं और ये मेरे को कभी भी काट सकती है, मैं क्या करूँ भाई, मैं क्या करूँ। नहीं नहीं, इनको छेड़ मत देना, एक खाई तो सारी खा जाएंगे। अरे ड्रोन हटवाओ भाई। भाई गनीमत ये है कि एक ने भी नहीं काटा। मेरा फोन पकड़ो। कोई सी भी नहीं है ना भाई, उल्टा लेट रहा हूँ मैं। वो जो मरी थी वो रानी मक्खी तो नहीं थी कहीं? अरे पता नहीं रे यार, क्या तीन को उड़ाओ भाई प्लीज। अरे यार ये छिड़ जाएगी भाई, मैं कहाँ फंस गया यार। भाई मैं कंटिन्यू 10-15 मधुमक्खियों के साथ चल रहा हूँ यहाँ पे, देखो भाई सब मरवा दिया। अरे मरवा दिया मक्खी मधुमक्खी। भागो भाई, बच गए, मधुमक्खियों को रास्ता बुला दिया। भाई मधुमक्खी होगी बहुत सारी। अरे कहाँ गए भाई, कोई किधर है, कोई किधर है, वो भाग मधुमक्खियों का हमला हो गया। हाँ भाई ऐसे यहाँ पर चला जाता है। और आप जो है एक बार नज़ारा देखो भाई, पूरा का पूरा जो व्यू है वो सुनहरा हो चुका है। वहाँ पर हो रहा है सनसेट, अगर मैं नॉर्मल कैमरा करूँ देखो कितना मस्त जो सनसेट का व्यू है वो लग रहा है, और चारों तरफ का जो नज़ारा है वो गाइस कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पे। अब हम लोगों को फटाक से जहाँ से हम आए हैं वहीं से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो भाई बहुत तेज़ भूख लग गई है, लगभग 5 घंटे से हम लोग इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमने कुछ खाया नहीं, सिर्फ चाय पी है, और बहुत ज़्यादा भूख लग गई, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। हमारे पास में मैगी वगैरह है तो वो बना सकते हैं हम लोग, और साथ ही साथ में हमको लकड़ियाँ वगैरह भी इकट्ठा करनी है, क्योंकि रात को कोई भरोसा नहीं है कि कितनी सर्दी हो जाए, और हम रिस्क नहीं लेना चाहते, टेंट भी लगाना पड़ेगा। और भाई उठो। भाई हमको एक पत्थर मिला है यहाँ पे गिरा हुआ, ये देखो भाई इसका डिज़ाइन, इसका पैटर्न पता नहीं क्या है, ये पत्थर है या कोई और चीज़ है। देखो कैसे लाइनें इसमें, ऐसा लग रहा है जैसे भुजिया नमकीन होती है ना, वो किसी रेड कलर के मैस के अंदर घुसी हुई है पूरा।
भाई अब इस रेगिस्तान में वापस से आके दिल की धड़कन बढ़ रही है, क्योंकि कोई भी जानवर रात को आ सकता है। पूरा खुला हुआ है, पूरा रेत ही रेत है और कुछ भी नहीं है। इस पूरे चैलेंज का अब तक का बेस्ट टाइम जो है वो यही है जो अभी चल रहा है, क्योंकि पहले गर्मी थी, रात को ठंड हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, अभी दिख भी रहा है और गर्मी भी नहीं है। भाई यहाँ पे एक मकड़ी है जो कि ऐसे कलर की है, एकदम रेत वाले कलर की। भाई साहब ये जो कीड़ा है ये भी रेत के कलर का है और ये बहुत तेज उछलता है। भाई ये लोग जो है कुछ खाने पीने के लिए बना लेते हैं, तब तक मैं जो है थोड़ा सा आराम से खुले में बैठूंगा, मैं अकेले में यार। और पता है गाइस, एक बोतल हमको और मिल गई हमारे बैग में रखी हुई। हम पांच लोगों के लिए पांच बोतल लेकर के आए थे, लेकिन बोतल हमारे पास चार ही थी। जब बाद में हमने देखा तो एक बोतल एक बैग के अंदर एक्स्ट्रा रखी हुई थी। तो थोड़ी सी जान में जान आ गई, एक लीटर पानी की कीमत आज पता लग रही है क्या है इस रेगिस्तान में। जब से आए हैं ना एक बार भी सुनी क्या इन्होंने। गाइस मैगी की सनी, ये जो चाय की सनी हुई हमारे पास ये है, तो इसको सबसे पहले साफ करना पड़ेगा। तो भाई पहले के टाइम पे जो है हमारे गांव में मिट्टी से बर्तन साफ होते थे, तो भाई ये देखो बर्तन बाहर और ये सब फेल है इस मिट्टी के आगे, देखो एकदम चकाचक। भाई यहाँ पर मैंने अपनी कमर सीधी कर ली है और यहाँ पर मुझे पिछले 15 से 20 मिनट हो गए लेटे हुए, और अब मैं एकदम रिलैक्स हो गया हूँ। हालांकि थकान बहुत सारी है, लेकिन जो दर्द हो रहा था बॉडी में वो कम हो गया। और भाई मैं तो मिट्टी पे लेटा हूँ, वो लोग उधर पे बना रहे हैं कुछ खाने के लिए सामान। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं ये ले आओ, वो ले आओ, ये कर लो, वो कर लो, ये दे दो, वो दे दो। लेकिन भाई दिन में जो माहौल था, जो गर्मी, लू, सूरज की तपत, उसके सामने भाई सारे चैलेंजेस फेल है रे यार, क्योंकि इंसान को ऐसा लगता है कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास में। लड़ रहे हैं लोग अभी भी। भाई आग जलाने के लिए रात की व्यवस्था जो है वो भी हमने कर ली है, उम्मीद करते हैं कि उड़ ना जाए, यहीं रख देते हैं। मैगी बन गई है, प्लेट भी है, लेकिन मैगी खाने के लिए चम्मच नहीं है, फोर्क भी नहीं है, चम्मच भी नहीं है। भाई ऐसे तो मैं कैसे खा पाऊंगा मैगी, कुछ जुगाड़ बनाता हूँ इसके लिए। भाई मैगी खा के अब थोड़ा सुकून मिल चुका है और सारे लोग जो है वो अपने अपने बर्तन मिट्टी से साफ कर रहे हैं यहाँ पे। बबलू अभी भी खा ही रहा है, और पता भाई मिट्टी से बहुत अच्छे बर्तन साफ होते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा टेंट लगाने का प्लान था, लेकिन अब हमने थोड़ा प्लान चेंज किया है। यहाँ से लगभग 150 मीटर पे ही, 100 मीटर भी नहीं है, 50 मीटर पे ही वो जो जंगल वाला सा एरिया था, झाड़ियों वाला जिसमें बहुत सारे बिल हैं, भाई वो एरिया है। हम नहीं चाहते वहाँ से कोई सांप वगैरह आ जाए, कोई जानवर आ जाए, तो हमने डिसाइड किया कि जो डेजर्ट है उसके बीच में चलते हैं, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा अंदर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई झाड़ी कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट कोई सांप अगर उसमें निकलेगा तो इतना दूर तो नहीं जाएगा, मतलब बीच में लगाएंगे टेंट। तो इसलिए वापस से समेट रहे हैं इसको, क्योंकि भाई अगर यहाँ डेजर्ट में किसी को भी सांप वगैरह ने काट लिया रात को, तो भाई हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं। एक तो रात, फिर कुछ अंदाजा नहीं लगता कि कहाँ पर क्या है, दिन में नहीं लगता भाई। अब हम लोग थोड़ा सा अंदर आ चुके हैं, थोड़ा सा और चल रहे हैं। अरे इसको क्यों उठा रहा हूँ मैं। भाई साहब टेंट फाइनली लग चुका है, अब ये रात को उड़े ना जाए, इसलिए मैं यहीं बैठ जाता हूँ कि हवा आए तो ये उड़े ना। और गाइस अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हमारा खुद का टेंट है यहाँ पे, और रेगिस्तान में हमारा खुद का घर आ चुका है भाई। लेकिन इतनी भयंकर थकान हो चुकी है भाई, अब मन कर रहा है कि बस पड़ जाऊँ यार। और पता है हमारे पास में पानी भी नहीं है भाई। भाई हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, लेकिन फिर भी ये जो मौका है, जो दिन है, वो ज़िंदगी में दोबारा नहीं आने वाला है। और हमारे पीछे चांद है वहाँ पे, वो रहा देखो। भाई मैं फिलहाल यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और उन लोगों को वहाँ पता नहीं क्या दिखा है, तो सारे लोग जो है लाइट लेके उधर देखने के लिए गए हैं, बोल रहे हैं कुछ है कुछ है। भाई मैं तो नहीं गया, वो चारों लोग वहाँ पे चले गए हैं फिलहाल। आओ आओ आओ। भाई एक नया ही जानवर दिख गया यहाँ पे, वो देखो ये तो अलग ही है भाई, ये तो मैंने कभी नहीं देखा भाई। और इधर ही मुँह है, इधर ही मुँह, अरे उधर गया उधर गया उधर गया, ये देखो भाई। भाई ये कौन सा जानवर है पता नहीं हमको, तो क्या चीज है, हैं? सांप की लाइन, 100% सांप की लाइन है भाई। भाई साहब ये वाले मार्क देखो, ये वाले मार्क, इसमें छोटे 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 निशान है, बहुत सारे देखो, ये इधर जा रखा है और इधर ये वाले भी यही हैं, लेकिन वो सांप वाला कौन सा है भाई, वो कहाँ गया। अरे ये रही यार, ये लाइन रही यार, ये सांप साहब ये दिख रहा है भाई, ये सांप की निशान है। चलो चलो भगलो भगलो भगलो,
ओए साथ चलो साथ चलो साथ चलो, लाइट आगे लाओ। अरे हमारी परछाई पीछे क्यों रख रहे हो, लाइट आगे रखो ना। अब एक्चुअली में हमारी फटने लग गई है भाई, हम बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुके हैं फिलहाल। इतनी ज्यादा थकान और प्यास का माहौल हो चुका है, अभी मेरे होंठ देखो भाई सूख गए हैं बिल्कुल। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया भाई। ये जो बैग हम लोग लेके घूम रहे हैं सुबह से, इसके अंदर है हमारी एक लाइफ लाइन। अगर दिक्कत हो, पानी की दिक्कत हो, बॉडी में विटामिन मिनरल कम हो, बाकी चीज़ें हो, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन हम लोग लेके आए थे। और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि हमको इस लाइफ लाइन को यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन हमको इस लाइफ लाइन को चैलेंज के बीच में 12 घंटे में यूज़ करना पड़ गया। ये है एक 4 से 5 किलो का तरबूज भाई। तरबूज के अंदर 95% से 98% तक पानी होता है और इसके अंदर विटामिन मिनरल्स भी होते हैं, इसके अंदर शुगर भी होती है। तो ये आपको पानी भी देगा और आपका पेट भी भरेगा और आपको एनर्जी भी देगा भाई। गर्म तरबूज खाने में भी इतना मज़ा आ रहा है, पानी तो है ही नहीं, तरबूज खा के प्यास मिटा रहे हैं भाई। 25 तरह की प्रजाति देखी भाई। रात के 3 बज चुके हैं और ये लोग तो जो है टेंट के अंदर जाके सो भी चुके हैं। हम 5 लोगों में से 3 या 4 लोग सोते हैं, 1 या 2 लोग जग रहे हैं 2-2, 3-3 घंटे के लिए। भाई बंद कर दो यार ये कैमरा, कैमरा बंद कर दो भाई, सो जा दो प्लीज। The next day भाई जैसे कैसे करके रात तो निकल गई, क्योंकि रात को भूख थी, प्यास थी, लेकिन ये गर्मी नहीं थी। अब ये गर्मी गई गाइस वापस आ चुकी है और अब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा। पूरा शरीर सूख गया अंदर से, फेफड़े सूख गए हैं सूखी हवा खा खा के, हर जगह मिट्टी भरी है, जो भी हो बड़ी चीज़ नहीं लग रही, सबसे बड़ी चीज़ है गर्मी। अभी हमारे चैलेंज में 3 घंटे बाकी हैं, अभी 3 घंटे कैसे निकलेंगे बस मैं तो यही सोच रहा हूँ भाई। ये ना देख बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। हाँ इस गर्मी के रेगिस्तान में कुछ ढूंढते हैं जहाँ पे हम लोग थोड़ी देर सुकून का सांस ले सकें। ये देखो ये टेम्परेचर मीटर है भाई, देखो ये मेरे हाथ का टेम्परेचर दिखाता हूँ पहले, देखो 38 डिग्री के आसपास है, थोड़ा गर्म तो है ठीक है। अब रेत का टेम्परेचर ये देखो 58-60, अरे भाई साहब 60 डिग्री तापमान है रेत का, सोचो इस पर कैसे पैर रखा जाए। हम लोग अब कोई छांव ढूंढ रहे हैं, कोई पेड़ ढूंढ रहे हैं। भाई इस टीले के टॉप पर आ गया हूँ, वहाँ देखो आगे और टीले हैं और बीच में बंजर जमीन पड़ी है। भाई एक बड़ा पेड़ मिल गया फाइनली छांव के लिए। इसकी छांव वैसे तो इतनी गहरी नहीं है, पर इस तड़कती भड़कती धूप से तो हमें बचा ही ले। और कांटे हैं नीचे भाई। अब हमारा जो चैलेंज है उसमें 2.5 घंटे के आसपास का समय बचा है और अब हमें हमारी जो लाइफ लाइन थी जिसने हमको आज तक बचा रखा है, जो आधी बची हुई है, वो निकालना पड़ेगा भाई। भाई इन दो लोगों की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, शशि और राहुल की। तो भाई अगर ये तरबूज हमारे पास ना होता तो हमारी क्या हालत होती भाई। भाई पसीने सुखाने के लिए मैंने शर्ट निकाली थी और ये टेक्निक काम करती है। ये है इस बेदर्दी रेगिस्तान की कहानी। ये बीटल जो आपको दिख रहा है, ये बीटल मर चुका भाई। ये दोस्तों धूप जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, सूरज एकदम सर के ऊपर खड़ा हुआ है फिलहाल भाई। और हमारे चैलेंज को कंप्लीट होने में अब बची हैं सिर्फ और सिर्फ 120 सेकेंड, 2 मिनट अब तो कुछ कमी बची होगी भाई। वहाँ पर वो लोग जो है सामान वगैरह पैक कर रहे हैं और भाई हम जो है इस चैलेंज में आ करके बड़ा ही पछता ही रहे हैं कि ये चैलेंज जो है हमने मोल ले लिया, लेकिन बस थोड़ी सी खुशी इस बात की है कि जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो गया। इतना मुश्किल चैलेंज हमने कंप्लीट किया भाई साहब, फाइनली जो हमारा चैलेंज है 24 आवर्स इन डेजर्ट वो हो चुका है कंप्लीट। अरे कोई तो बोलो, जो हर बार जोश में होते हैं लेकिन आज सारा जोश जो है वो निकल चुका है। चलो एक बार जोश में करते हैं, भारत माता की जय। ठीक है गाइस आज के लिए इतना ही भाई, प्लीज ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना। अगर आपको मजा आया इस चैलेंज के अंदर, मजा तो हमारा तो सारा मजा निकल गया आपको मजा देने के चक्कर में और ये चैलेंज कंप्लीट करने के चक्कर में, तो इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक का बटन जरूर दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए। और क्या चैलेंजेस करने गाइस वो जरूर से बता देना। ये चीज़ भी बहुत प्रोटेक्ट कर रही है, इसको फटका बोलते हैं, आर्मी वाले जवान इसको यूज़ करते हैं भाई। ठीक है आज के लिए इतना ही,
और इस चैलेंज में क्या हुआ, मेरा तो कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि मैं आपको क्या बताऊं भाई। बस ये है कि आप किसी भी मुश्किल जगह अगर फंस जाओ तो अगर आप में हिम्मत हो तो आप उससे बाहर निकल सकते हो, आप ज़िंदा बच सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अपनी जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि ये जगह है ना भाई, ये किसी पे कोई रहम नहीं करती, किसी पे ज़रा सा भी, इतना सा भी रहम नहीं करती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।